हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनआर इंजीनियरिंग। आज जो वीडियो मैं आपके सामने लाया हूँ ये है बाउंड्री वॉल पेंटिंग वर्क। वैसे तो हमने पूरा कैंपस पेंट कर दिया है, उसी में से एक छोटा सा स्मॉल स्केल वर्क में, पेंटिंग वर्क में बाउंड्री वॉल आपके सामने आज लाया हूँ, जिसमें हम डिस्क्राइब करेंगे कि हमने उसका क्या प्रोसेस से उसको पेंट किया है, साथ ही कौन कौन सी स्टेप के साथ हमने उसमें वर्क किए हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे बाउंड्री वॉल देख पा रहे हैं, ये काफ़ी रेनी सीजन के बाद हम पेंट कर रहे हैं, तो काफ़ी इसमें फंगस और ब्लैकनेस आ गई थी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो पेंटर्स हैं वो इसका जो ब्लैकनेस है उसको रफ़ कर रहे हैं, और इसमें जितना भी लूज डस्ट पार्टिकल्स इसमें लगे हुए थे उसको विद द हेल्प ऑफ वायर ब्रश उससे हम क्लीन कर रहे हैं इसको। स्क्रबिंग अच्छी तरीके से होने के कारण बाउंड्री वॉल ऑटोमेटिकली वाइट दिख रही है, जिसमें कि अभी तो हमने इसमें बेस कोट जो प्राइमर का रहता है वो अभी स्टार्ट भी नहीं किया है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। बाउंड्री वॉल जैसे जैसे हम स्क्रबिंग करते आ रहे हैं वो ऑटोमेटिकली वाइट दिखने लगी है। ऑन सेकेंड हाफ में हम प्राइमर की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम बेस कोट अप्लाई करेंगे बाउंड्री वॉल पर। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं पेंटर्स प्राइमर की तैयारी कर रहे हैं। इसमें हमने जो प्राइमर लिया है बर्जर का लिया है, जो कि डैम प्रोटेक्ट है, और एक हम नेरोलैक का भी ले रहे हैं वो भी डैम प्रोटेक्ट है। प्राइमर का भी अच्छा है, नेरोलैक और बर्जर दोनों में। हवा काफ़ी ज़्यादा होने के कारण वॉइस एडिट मैंने जो कि बाद में की है उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोट प्राइमर का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये बर्जर का प्राइमर है, जो कि 25 केजी बकेट में है। जैसा कि प्राइमर का फर्स्ट कोट हम मेन एंट्रेंस के कॉर्नर से बाउंड्री वॉल पर पेंट करना स्टार्ट कर दिए हैं। ये हमारा मेन एंट्रेंस है जिसमें दो गेट हैं और सेंटर में फाउंटेन है, और ये बाउंड्री वॉल पे हमने प्राइमर का फर्स्ट कोट करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पेंटर इसमें पेंट कर रहे हैं प्राइमर का। साथ में जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये कैंपस का एक्सटीरियर पेंट वर्क है, इसका भी वीडियो मैं जल्द आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें कि हमने कैंपस की सारी बिल्डिंगों का एक्सटीरियर पेंट वर्क किया है विद क्रीम येलो कलर और टेराकोटा के साथ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑन नेक्स्ट डे हम एक कोट प्राइमर के ऊपर दो कोट पेंट करेंगे, जिसमें कि हमने पेंट करना स्टार्ट कर दिया है। इसमें हम बहुत कलर कर रहे हैं, पेल क्रीम येलो और टेराकोटा के साथ। लेबर कॉस्ट की बात की जाए तो ये अलग अलग लोकेशन पर डिसाइड रहता है कि अलग अलग रहेगा, इसमें अलग आइटम रेट रहते हैं। अगर हम दो कोट पुट्टी और घिसाई भी जोड़ें तो करीबन ये 10 से 15 रुपए पर स्क्वायर फीट लेबर कॉस्ट रहता है। यहाँ पर हम पुट्टी नहीं कर रहे हैं, ओनली टचिंग रिपेयरिंग कर रहे हैं स्क्रबिंग के साथ, तो ये करीबन हमारे 5 से 7 रुपये पर स्क्वायर फीट का वर्क है। और विथ मटेरियल की बात की जाए
तो जिसमें कि हम मटेरियल सारा इंक्लूड कर लें कि पुट्टी, स्क्रबिंग, एक कोट प्राइमर और दो कोट पेंट के साथ अगर पर स्क्वायर फीट हम मटेरियल पे जाते हैं विद मटेरियल रेट, तो ये अराउंड 40-45 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट रहता है। जैसे जैसे आइटम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे रेट बढ़ता जाता है हर लोकेशन के अकॉर्डिंग, और जैसे जैसे हम आइटम कम करते हैं तो वैसे ही लेबर रेट हो या मटेरियल कॉस्ट हो वैसे वैसे वो कम होता जाता है। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, तब तक के लिए गुड बाय।